यार देव, चल कॉफी पीते हैं यार, क्या बोलता है, चले? हाँ भाई चल, आज थोड़ा सा समय कॉफी पीने में बिताते हैं। चल फिर शर्मा रेस्टोरेंट चलते हैं। हाँ यार ठीक है चल। देव पता है एक दिन क्या हुआ, मैं बताता हूँ तुझे। मैं और मेरे दोस्त स्कूल से घर जा रहे थे, तभी हमने देखा रास्ते में गाय का झुंड था और वो मतलब हमें बहुत भूखा दिखा क्योंकि वो इधर उधर खाना ढूंढ रहे थे पूरा उनकी गाय के झुंड। तो हमारे पास तो पैसे भी नहीं होते थे, तो हमने सोचा यार अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम गाय के झुंड के लिए थोड़ा सा फूड की व्यवस्था कर सके। अभी अभी हम सोच ही रहे थे कि तभी इतने में हमने क्या देखा कि हमारे सामने वो भी गाय ट्रक जा रहा था और उधर भी वो ट्रक हमारे सामने रुक गया। अच्छा वो रुका क्यों ये तो हमें बाद में पता लगा क्योंकि उस बंदे को मार दी थी धार, तो वो ट्रक साइड में खड़ा होके वहां धार मारने चला गया। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोग फटाफट गए ट्रक पे और हमने एक एक गोभी निकाल ली। अच्छा ट्रक बहुत बड़ा था, उसको पता भी नहीं चलना था कितनी सारी गोभियां थी, और आगे जाके हमने वो गोभी गाय को खिला दी। बात हो गई खत्म, हम भी बहुत रिलैक्स थे। अगले दिन जब हम स्कूल की प्रेयर में खड़े हुए थे तभी अचानक से अनाउंस हुआ, सभी सुनने लगे और चीकू ने माइक ले लिया और चीकू ने बोला कि बहुत ही शर्म की बात है कि कल मैं स्कूल से घर जा रहा था तो मैंने देखा कि हमारे स्कूल के बच्चे रास्ते में चोरी करते हुए जा रहे हैं और ये बहुत ही शर्म की बात है। उत्तरी की इसकी माँ की आंख, तो सुन तो सही। तो उसने हमारी बेइज्जती कर दी और उसने ये भी बोला कि मुझे पता है वो लड़के कौन है, अब तेरे को पता है चीकू से तो हमारा 36 का आंकड़ा रहा है। तो देव मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मैंने कहा सर चोरी मैंने करी। तो उसने बोला ठीक है तुम तो निकल के स्टेज पे आ जाओ। अब हम जैसे स्टेज पे गए तो उसने माइक से बोलने लगा कि भाई तुमने चोरी क्यों करी, तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी। अब वो हमारी बेइज्जती करने के प्लान में था। तो फिर मैंने जब माइक हाथ में पकड़ा और सारी स्टोरी सारे स्कूल को बताई तो सारे बच्चे बजाने लगे ताली। तब चीकू ने कहा वाह वाह राहुल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हमें प्राउड है तुम्हारे ऊपर। तो तब चीकू ने स्टेज पर सबके सामने आके माफ़ी मांगी और बोला कि मैं मुझसे गलती हुई, मैंने इन बच्चों को गोभी निकालते हुए तो देखा लेकिन इन्होंने गोभी का किया क्या वो मैं नहीं देख सका, तो ये सब मेरी गलती है, मुझे यहाँ अनाउंस नहीं करना चाहिए था, मुझे इनसे जाके बात करनी चाहिए थी, मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो उसने अपनी गलती की माफी मांगी। उत्तरी की चीकू की माँ की आंख।